ये कहानी एक जालिम सांप की है जो किसी भी पक्षी के अंडे बड़ी आसानी से पी जाता और उस सांप का कोई कुछ भी नहीं कर पाता। इस बार मिट्ठू तोते की पत्नी ने एक अंडा दिया था। प्रियाले, आप हर वक्त अंडे के पास रहें, वरना वो दुष्ट सांप हमारे अंडे को पी जाएगा। भतीजी, मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जैसे ही उस सांप को पता चलेगा वो तुरंत ही आ जाएगा और हमारा अंडा भी पी जाएगा। हरियाली, हम इस अंडे के माता पिता हैं, तो कुछ दिन इसकी रक्षा नहीं कर सकते। बस एक बार अंडे से बच्चा आ जाए फिर तो वो सांप भी कुछ नहीं कर पाएगा। भतीजी, मैं अंडे को पूरा पत्तों में ढक देती हूँ, अगर सांप आए भी तो उसे घोंसले में अंडा न दिखे। ऐसे वो तोते माता पिता अपने अंडे की सांप से रक्षा करते हैं। मगर सांप भी बड़ा होशियार था, उसे तो महक से ही पता चल जाता वो अंडा किस पेड़ पर है। अंडे की खुशबू, लगता है किसी पक्षी ने अंडा दिया है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे सांप अपने बिल से बाहर आता है, वो अंडे को महक से पहचान लेता है और उसी पेड़ पर चला जाता है जिस पे हरियाली ने अंडा दिया था। उस समय मिट्ठू तोता भोजन लेने गया हुआ था और हरियाली घोंसले में बैठी बैठी सो चुकी थी। यहाँ तो अंडा नहीं है, लेकिन अंडे की खुशबू तो इसी घोंसले से आ रही है। मेरी नाक मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं अंडा ढूंढता हूँ, शायद तोते ने कहीं छुपा के रखा होगा। फिर सांप घोंसले के आजू बाजू फिरता है और उसे पत्तों में छिपा अंडा दिख जाता है। वो तो तुरंत ही अंडे को पीकर अपने बिल में चला जाता है। बड़े चातर होंगे ये छोटे पक्षी, अंडे को छुपाया मगर मुझसे नहीं बचा सकते। इस तरह से सांप अपने बिल में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिट्ठू तोता दाना लेकर आता है तो बोलता है, हरियाली, मैं दाना लेकर आ गया हूँ, एक बार मुझे पत्ते हटाकर थोड़ा सा अंडा दिखा दें, तभी मैं दाना खाऊंगा। हरियाली जैसे ही अपनी चोंच से पत्ता हटाती है तो वहाँ पर कोई अंडा नहीं था, सिर्फ अंडे का खोल था। हरियाली, अंडा कहाँ है, अंडा कहाँ है? भतीजी, मेरे सोने के बाद वही जालम सांप आया होगा और हमारे अंडे को पी गया। मेरा अंडा। वो दोनों पति पत्नी अपने अंडे का दुख मनाते हैं। उनके रोने की आवाज से बाकी के पक्षी भी उनके पास आ जाते हैं। तोते हरियाली, आप दोनों चुप हो जाओ, उस बुरे सांप ने हमारे भी अंडे पिए हैं, एक दूसरे को देखकर ही संभलना होता है। पता नहीं ये सांप हमारे अंडे पीना कब बंद करेगा, मेरे पूरे अब तक 6 अंडे पी गया है ये मरा सांप और हम पक्षी सांप को कुछ भी ना कर पाए। पहला अंडा था ये मेरा, जालम दुष्ट सांप पी गया, मेरी बद्दुआ से वो सांप बुरी मौत मरेगा, बुरी मौत मरेगा। फिर बाकी के पक्षी तोते को समझाकर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। गोरी कवि ने दूसरी बार अंडा दिया था और वो दुष्ट सांप उसका अंडा भी पी जाता है। कालू, सांप हमारा अंडा भी पी गया, कितनी भी कोशिश कर ले हम मगर अंडे को सांप से नहीं बचा सकेंगे, नहीं बचा सकेंगे। मैं उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे तो वो हमारे किसी भी अंडे से बच्चे नहीं निकलने देगा। मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। कालू रुक जाओ, तुम सांप को नहीं मार सकते, वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कबूतर तो क्या करें, अपने अंडों को मरते हुए देखते रहें, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। ये बोलते हुए कालू कौवा तेजी से उड़ता है और सांप के बिल में चला जाता है। बाकी के पक्षी भी उसके पीछे पीछे आए थे। दुष्ट सांप छुप छुप के हमारे अंडों को पीता है, दम है तो मुझसे लड़के दिखा, कालू कौवा हूँ मैं, आज तुझे मार के ही दम लूंगा। तू मुझे मारेगा, दिमाग तो ठीक है ना, जो खुद मौत के बिल में आ गया। मुझे बस अंडे पीना पसंद है, पक्षियों को खाना नहीं चाहता मैं। भाग जा यहाँ से। दुष्ट सांप, तू अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझता है, तो मेरा मुकाबला करके दिखा। कालू तो गुस्से में था, वो बार बार सांप पर अपनी चोंच से प्रहार करता है मगर सांप हर बार बच निकलता। फिर सांप एकदम से कालू कौवे को डस लेता है और अपने बिल में चला जाता है।
है। हाय हाय, दुष्ट सांप मेरे पति को मार गया, खा गया मेरे पति को। मैं कुछ ना कर सकी, पहले मेरे अंडे को पी गया और अब मेरे पति को मार दिया। देख लिया आप सबने, यहाँ पे सभी मौजूद पक्षियों ने सांप से लड़ाई करने का अंजाम क्या होगा। वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, ताकत के साथ साथ जहरीला भी है वो। अब दोबारा से कोई भी कालू जैसी गलती ना करना, वरना अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। फिर सभी पक्षी चुपचाप अपने घोंसलों को चले जाते हैं। बेचारी गौरी तो अकेली घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि उसका पति कालू कौवे को सांप ने मार दिया था। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजर जाता है। फिर एक दिन वहाँ पर छोटी चिड़िया रहने आती है। हाँ, मेरे अंडे देने का समय हो गया, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये पेड़ काफी मजबूत है। फिर छोटी चिड़िया मजबूत घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और दो अंडे दे देती है। जब वो चिड़िया पानी पीने के लिए घोंसले को छोड़कर जाती है, तो वो सांप चिड़िया के अंडे भी पी जाता है। चिड़िया सांप को देख लेती है। दुष्ट, तूने मेरे अंडे पी लिए, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी, तुझे जिंदा जला दूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। छोटी चिड़िया, तेरे अंडे तो बहुत स्वादिष्ट थे, जल्दी जल्दी और अंडे दो, मैं उन्हें भी पीने आऊंगा। अब जा रहा हूँ चैन की नींद सोने, तंग ना करना। ये बोलते हुए सांप वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो अंदर से आग बबूला हो रही थी, तभी गौरी कवि उसके पास आती है। चिड़िया बहन, गुस्सा करना छोड़ दे, आप सांप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो ऐसे ही सबके अंडे पी जाता है। मेरा तो अंडा भी पी गया और मेरे पति को भी मार दिया इस दुष्ट सांप ने। इस दुष्ट सांप ने एक माँ के बच्चों को छीना है, मैं इसे इसकी सजा देकर ही रहूंगी, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर छोटी चिड़िया बहुत तेज उड़ती है, वो सीधा इंसानों की बस्ती में जाती है। तभी चिड़िया की नजर किसान की पत्नी के कंगन पर जाती है। चिड़िया झट से उसे अपनी चोंच में लेकर भाग जाती है। किसान पति पत्नी चिड़िया का पीछा करते हैं। चिड़िया तो आगे आगे उड़े जा रही थी और वो कंगन सांप के बिल में फेंक देती है और वहाँ से दूर बैठ जाती है। किसान लाठी से सांप को मार देता है और अपने सोने का कंगन लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, आपने तो कर दिखाया, आपने जालम सांप को मार दिया, अब ये दुष्ट कभी भी हमारे अंडे नहीं पी सकता। हाँ दोस्तों, ये सांप भले ही हमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और देखो सांप को कैसे मार दिया। सब पक्षी बहुत खुश थे और छोटी चिड़िया के शुक्रगुजार भी थे, क्योंकि छोटी चिड़िया ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से जहरीले सांप को मार दिया था। आज रानो चिड़िया की जिंदगी का सबसे दर्द भरा दिन था। उसका पति टुन्नो चिड़ा जो मर गया था, घोंसले में उसकी नन्नी नन्नी बच्चियां रो रही थीं। चिड़िया संभालो अपने आप को, भगवान ने यही लिखा है तुम्हारे जीवन में। गोरी बहन, ये क्या हो गया, अभी तो ये बच्चियाँ नन्नी नन्नी सी हैं और इनके पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया, अब क्या होगा। कबूतर चलो अब टन्नू को ले चले, वरना चिड़िया ऐसे ही रोती रहेगी। फिर वो सभी मिलकर टन्नू को नदी में बहा आते हैं। रानो तो जिंदा लाश बन के एक कोने में पड़ी हुई थी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो तो नदी में कूद कर मर जाना चाहती थी, तभी उसके पड़ोसी उसे देख लेते हैं। चिड़िया बहन, ये आप क्या कर रही हो, इस जिंदगी में दुख सुख तो सबके साथ हैं, ऐसे जिंदगी तो नहीं छोड़ सकते, हमें जीना पड़ता है। हाँ रानो, और अपनी बच्चियों की तरफ देखें, पिता का प्यार तो वो नहीं पा सकेंगी, अब आप उन्हें माँ का प्यार भी नहीं देना चाहती जो इस तरह से मरने आ गई। बेचारी तुम्हारी बेटियों का क्या होगा, तुमने सोचा भी है कभी। आज आप सब मुझे माफ कर दें, मैं ये क्या करने जा रही थी, अपनी बेटियों को इतना दुख नहीं दूंगी। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया घर आकर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। इसी तरह से थोड़ा समय गुजर जाता है। मुझे कोई काम धंधा ढूंढना होगा जिससे मेरी बेटियों का पालन पोषण हो सके। कालू भैया तो कुछ काम करते नहीं हैं। मैं मिट्टू और कबूतर के पास जाती हूँ, शायद वो कहीं मुझे काम पर लगा दें। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कोई काम करना है, तो आप मुझे कोई काम बताएं जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ। चिड़िया बहन, मेरी तो ये छोटी सी किराने की दुकान है, इसी से मेरा गुजारा होता है, इसलिए मेरी नज़र में तो कोई काम नहीं है।
जो मैं आपको दिला सकूं। कृपया मुझे माफ करें। कबूतर भैया, आप क्यों माफी मांगते हो? आप तो भले पक्षी हो। अब मैं चलती हूँ। चिड़िया बहन, अगर इस मुश्किल वक्त में पैसे देने की जरूरत हो तो भेजिझक आना। कबूतर से बातें कर रानो मिट्ठू कबूतर के घर आती है। चिड़िया बहन, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मैं खुद मजदूरी करता हूँ। किसी दिन काम मिलता है तो किसी दिन नहीं मिलता। ठीक है मिट्टू भैया, अब मैं चलती हूँ, और मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताना। चिड़िया उदास होकर वहाँ से भी चली जाती है। वो पूरा दिन यहाँ वहाँ काम की तलाश कर रही थी और हार थक के अपने घर आती है। और तभी चील कर्जदार रानो के घर आता है। देखो रानो, मैं अब और नहीं रुकूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पिछले 8 महीनों से तुमने किराए का 1 रुपया नहीं दिया। चील भैया, थोड़ी मोहलत दे दें, मैं फिर आपका सारा किराया चुका दूंगी। कान खोल के सुन लो चिड़िया, मैं बस 15 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अपना घर खाली करा लूंगा। इतने दिन में किसी के लिए नहीं रुकता, अब बहुत हो गया। ये धमकी देकर मकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप ये अंकल को दे देना, फिर वो हमें घर से नहीं निकालेंगे और हम यहीं पर रहेंगे। मेरी बेटी, ये रुपये बहुत कम है और घर का किराया पूरा 1000 है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पूरे पैसे दे दूंगी और हम यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को तो समझा देती है, मगर खुद बहुत चिंता में थी। फिर अगले दिन वो काम की तलाश में चली जाती है। रास्ते में रानो को अपनी सहेली मिल जाती है, जो कि ऑटो रिक्शा चला रही थी। अरे रानो सहेली, तुम कैसी हो? आओ मेरे रिक्शा में बैठ जाओ, आगे छोड़ दूंगी। नहीं नहीं गुलाबो, मुझे पास में ही जाना है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अरे रानो, तुम पैसे मत देना, रास्ते में थोड़ा बातें भी कर लेंगे, अब जल्दी बैठ भी जाओ। फिर रानो चिड़िया ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। वो दोनों सहेलियां आपस में बातें करती हैं और रानो अपनी सारी कहानी गुलाबो को बता देती है। गुलाबो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और काम की भी, क्या तू मुझे ऑटो रिक्शा का काम दिलवा देगी? हाँ हाँ रानो, क्यों नहीं, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, मगर अब तुम चिंता मत करो, मैं अपने मालिक से कहकर तुझे भी ऑटो रिक्शा का काम दिला दूंगी। फिर रानो की सहेली उसे भी अपने ऑटो मालिक के पास ले जाती है और एक रिक्शा चलाने को दिला देती है। देखो देखो चिड़िया, रात को 8 बजे से पहले पहले रिक्शा और पैसे दोनों घर में होने चाहिए, और अच्छे से ऑटो चलाना, कहीं खरोच ना लग जाए। रानो चिड़िया बहुत समझदार थी, वो रिक्शा चलाना कुछ ही दिन में सीख जाती है। बैठे बैठे पूर्व जाने वाले पक्षी जल्दी बैठे। फिर रानो का रिक्शा पक्षियों से भर जाता है, वो ऑटो रिक्शा लेकर चली जाती है। शाम को रानो की कमाई अच्छी होती है, वो पूरी ईमानदारी से रिक्शा चलाती, मकान का किराया भी वो कुछ ही दिनों में दे देती है। गुलाबो बहन, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मेरी बहुत मदद की। बस बस रानो, ये सब तो तेरी मेहनत और अच्छाई का फल है, जो तेरा नाम काम इतना अच्छा चलता है। इस तरह से चिड़िया की जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाती है। वो बहुत जल्द ही खुद का ऑटो रिक्शा भी खरीद लेती है। फिर एक दिन रानो के ऑटो में 2 बदमाश कौवे बैठ जाते हैं। जल्दी करें छोटी चिड़िया, जल्दी करें, हमें पूर्व वाले जंगल ले चलें। फिर रानो अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करती है और पूर्व वाले रास्ते पर मोड़ लेती है। अरे देख तो, ये चिड़िया कितनी खूबसूरत है। हाँ बिल्लू, और इसका पति भी कई महीनों पहले मर गया है। ऐसे बातें करते हुए वो बदमाश बीच में ही रिक्शा रुकवा लेते हैं और रानो चिड़िया से बदतमीजी करते हैं। अरे चिड़िया रानी, तुम हमारे साथ चलो, ये रिक्शा तो हम चला लेंगे। आपको शर्म नहीं आती जो अकेली पक्षी को छेड़ते हो? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो इतनी सुंदर होके भी ये ऑटो रिक्शा चलाती है। वो बदमाश ऐसे रानो को परेशान कर रहे थे, तभी एक बड़ी गाड़ी से एक चिड़ा पक्षी उतरता है और दोनों कौवों की
खूब पिटाई करता है। वो तो मार खा के वहाँ से भाग जाते हैं। आप ठीक तो हो ना? और ऐसे बदमाशों को ऑटो में बिठाती ही क्यों हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इन बुरे बदमाशों से मेरी जान बचाई। ये ऑटो रिक्शा आप क्यों चलाती हो? घर में कोई और नहीं है? नहीं, मेरे पति नहीं है। वो कुछ महीनों पहले मर गए। मेरी दो नन्नी नन्नी बच्चियाँ हैं। मैं उनकी खातिर ये ऑटो रिक्शा चलाती हूँ। मगर आप बड़े पक्षी ये बात नहीं समझ पाएंगे। रानो के मुँह से ये बात सुनकर चिड़ा तो चुप सा हो जाता है और कहता है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। फिर रानो अपना ऑटो चलाकर वहाँ से चली जाती है। उस चिड़े पक्षी को तो रानो अच्छी लगने लगी थी। वो अक्सर रानो से मिलने के लिए उसके ऑटो में बैठा करता। एक दिन वो अपनी माँ को लेकर रानो के घर आता है और रानो से शादी की बात करता है। रानो बेटी, मेरा बेटा बहुत भोला है और उसकी पत्नी बहुत चालाक थी, उसे छोड़ के भाग गई। अब वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तेरी बेटियों को भी अपनाना चाहता है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना, हमें तुम्हारी यहाँ का इंतजार रहेगा। नहीं माँ जी, आप जाए यहाँ से, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। रानो चिड़िया, थोड़ा सोच ले, मुझे ये चिड़े पक्षी ईमानदार दिखाई देते हैं। तेरी बेटियों को पिता का साया भी मिल जाएगा और दादी माँ का प्यार भी। हाँ रानो जी, मैं आपकी बेटियों का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और आपको ऑटो भी नहीं चलाने दूंगा। फिर रानो चिड़िया उस चिड़े से शादी कर लेती है। सच में मोनू चिड़ा और उसकी माँ बहुत अच्छे पक्षी थे। वो रानो और उसकी बेटियों से खूब प्यार करते हैं और वो सब मिलकर खुशियों भरा जीवन फिर से बिताने लगते हैं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, लेकिन उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। वो अपने मम्मा के मेकअप से छुप छुप कर मेकअप किया करती। गुड़िया बेटी, मैं आपकी मासी के घर जा रही हूँ, आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। नहीं मम्मा, आप ही जाएं, मुझे अपना होमवर्क करना है, वरना मेरी टीचर जी मुझे बहुत डांटेंगी। ठीक है तो बेटा, आप अपना होमवर्क करें, मैं शाम होने से पहले पहले घर आ जाऊंगी। ये कहकर रानो चिड़िया घर से चली जाती है। अपनी मम्मा के जाते ही गुड़िया शीशे के सामने अपना मेकअप करना शुरू करती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बिल्कुल राजकुमारी हो जैसी। अभी जाकर कोकी को दिखा के आती हूँ। फिर गुड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। गुड़िया, तू तो बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल टीवी की हीरोइन जैसी। क्या ये सब तेरी मम्मा ने किया है? नहीं कोकी, मम्मा घर पे नहीं है और ये सब तो मैंने खुद ने किया। बहुत सुंदर है गुड़िया तेरा मेकअप, मुझे भी अपना जैसा बना दे, मैं भी सुंदर दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ कोकी, क्यों नहीं, तू अपनी मम्मा का मेकअप दे मुझे, फिर देखना मैं कैसे तुझे राजकुमारियों जैसा बना दूंगी, फिर तू अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगी। फिर कोकी अपनी मम्मा का मेकअप भी संदूक से निकाल लाती है। गुड़िया कोकी का मेकअप शुरू करती है। गुड़िया, तूने तो मुझे भी सुंदर बना दिया, हम दोनों कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब चलो बाहर, हमारी दोस्तों को भी तो पता चले हम कितने सुंदर हैं। फिर कोकी गुड़िया को घर से बाहर ले जाती है। उन्हें जो भी पक्षी देखता कुछ देर के लिए तो देखता ही रह जाता और फिर हंसने लगता। गुड़िया कोकी, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है जो आप ऐसे सजी हो? नहीं मिट्ठू अंकल, हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन नहीं है, हम दोनों तो खुद से तैयार हुए हैं, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। अरे बेटा, तुम दोनों का तो कोई मुकाबला नहीं, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रही हो, पर ज्यादा देर बाहर मत घूमो। ऐसे बोलते हुए मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और वो दोनों सहेली भी बड़ी खुशी से पूरा जंगल घूमती है और हार थक कर आखिर में नदी के पास बैठ जाती हैं। कोकी, मेरी मम्मा तो शाम को घर आएंगी, और तेरी मम्मा कहाँ गई है? अगर गौरी आंटी ने हमें ऐसे देखा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ गुड़िया, वो तो है, पता नहीं मम्मा लूसी आंटी के साथ कहाँ गई हैं। अब मैं जाती हूँ घर, कहीं मम्मा ने मुझे ऐसे देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। कोकी ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर गौरी कव्वी आ जाती है और वो बहुत गुस्से में थी। कोकी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ और तू
यहाँ बैठी है और ये क्या हुलिया बना रखा है? लिपस्टिक, बिंदी, हार, किसने किया ये सब? मम्मा मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, सब गुड़िया ने किया है। मैं तो घर में ही बैठी थी, ये गुड़िया ही मेरे पास आई। मुझे पता है, ये गुड़िया ही है जिसे सजने सवजने का बहुत शौक चढ़ा है। नहीं गौरी आंटी जी, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया। कोकी ने ही बोला था कि उसे भी सुंदर दिखना है, तो मैंने बस उसका मेकअप कर दिया। गौरी गुड़िया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप हो जा। मेरी कोकी बेटी बहुत भोली है, तू ही नहीं टिकती एक जगह पर। अगर फिर से मेरी बेटी का मेकअप किया, तुझे मार मार के कहीं का ना छोड़ूंगी। चल कोकी, अब घर चल। ऐसे कहते हुए गौरी अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है। गुड़िया भी रोती रोती अपने घर जाती है। शाम होते ही रानो चिड़िया भी घर आती है। गुड़िया, मेरी बेटी क्या हुआ और आपके गाल पे ये निशान कैसा? लगता है किसी ने आपको थप्पड़ मारा है। जल्दी बताएं मुझे। मम्मा मम्मा, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप भी मुझे नहीं मारोगी, तभी मैं आपको सच बताऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं क्यों मारूंगी तुम्हें? अब जल्दी से बताओ हुआ क्या है। फिर गुड़िया दिन भर की सारी बातें रानो को बता देती है। छोटी सी बात पर मेरी गुड़िया का गाल लाल कर दिया, मैं बातें करूंगी गौरी से, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर रानो गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी बहन, अभी मेरी गुड़िया बहुत छोटी है, उसे आपके जितने समझ नहीं है। तो क्या हुआ, जरा सा मेकअप उसने कोकी को भी लगा दिया। को गुड़िया को थप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं थी, आप उसे डांट भी तो सकती थी। रानो, मेरे लेके तेरी बेटी दिन भर मेकअप करे और साथ में तू भी उसको लिपस्टिक, बिंदी, कजरा लगा, लेकिन मेरी बेटी से दूर रहना। अगर उसने अपने शौक मेरी बेटी को सिखाए तो मैं उसे ऐसे ही मारूंगी। क्या कर लेगी तू मेरा? ठीक है गौरी, आज के बाद मेरी गुड़िया कोकी से बातें भी नहीं करेगी, और आप भी ये बात कोकी को अच्छे से समझा देना। ओहो, आई बड़ी मुझे सिखाने, मैंने तो कब का कोकी से मना कर दिया, वो तेरी बेटी से लाखों दूर रहेगी। अब तू भी भाग यहाँ से। फिर रानो चिड़िया भी चुपचाप वहाँ से अपने घर आती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी उसका मेकअप करना नहीं छूटा था। ये मिठाई ले लूसी बहन, मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा है। खाएं खाएं, जी भर के मिठाई खाएं। बहुत बहुत बधाई गौरी बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे रानो बहन, आपने भी गुड़िया के लिए अभी तक कोई रिश्ता देखा है या नहीं? लूसी बहन, अभी तो मेरी गुड़िया ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही है, तो मैं अभी उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? लूसी, शादी ब्याह के लिए पैसा चाहिए, और जहाँ से गुड़िया अपना कोर्स कर रही है वहाँ तो उसे उल्टे पैसे मिलते हैं, तो शादी की किसे पड़ी है? रानो का खर्चा आराम से चल जाता है। ये कहकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। रानो भी उदास मन से घर आती है। बस गुड़िया बेटी, मैं कुछ नहीं जानती, अब आपको शादी करनी ही होगी। मैं आखिर कब तक दूसरों की बातें सुनूं? नहीं मम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी, और वैसे भी कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर मैं खुद से काम करना शुरू कर दूंगी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। गुड़िया ने घर में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो पार्लर की फीस कम लेती थी और मेकअप बहुत अच्छा करती थी, जिससे उसके घर में ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। मम्मा, आज मेरी शादी है और आपकी पार्लर वाली कहाँ है? मुझे तैयार नहीं कराना? बेटी कोकी, अभी अभी तेरी पार्लर वाली का ही फोन था, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। मम्मा, अब क्या होगा, मैं बिना मेकअप के मंडप में कैसे जाऊंगी? मेरी शादी कैसे होगी? बेटी कोकी, इतनी जल्दी दूसरी पार्लर वाली को कहाँ से लाएंगे? तू अपने आप से सज ले और गुड़िया को ही देख ले, जब वो छोटी थी तो कितना अच्छा मेकअप किया करती थी, ठीक वैसे ही अब तू भी कर ले। नहीं पापा, मम्मा के डांटने के बाद मैंने तो कभी भी हाथ नहीं लगाया सजने सवरने को, इसलिए मुझको कुछ भी नहीं आता। गौरी जी, फिर तो जल्दी करो, कुकी को गुड़िया के घर ले जाओ, वो ही अच्छा मेकअप करती है। नहीं नहीं कालू जी, मैं उस रानो चिड़िया के घर नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, सजा दो खुद ही इसे और बना दो चुड़ैल, जो लड़के पक्षी देखकर ही भाग जाएं। कालू कव्वे की ये बात सुनकर गौरी कोकी को गुड़िया के घर ले जाती है। गुड़िया, आज कोकी की शादी है, क्या तू इसका मेकअप कर देगी? हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, मैं कोकी का बहुत सुंदर सा ब्राइडल मेकअप करूंगी। फिर गुड़िया कोकी का जल्दी से ब्राइडल मेकअप शुरू करती है। गौरी को गुड़िया का मेकअप बहुत पसंद आ रहा था। कुछ ही देर में कोकी सारा मेकअप खत्म कर देती है।
है। रानो, अच्छा किया तूने जो गुड़िया को मेरी तरह डांटा नहीं, वरना आज वो इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनती। हाँ गौरी बहन, हुनर तो बच्चे का बचपन में ही दिख जाता है। कैसे छुप छुप के गुड़िया मेरे जाने के बाद मेकअप किया करती थी और दूसरों का भी। और देखें, आज पूरे जंगल में मेरी बेटी गुड़िया का नाम है। उसका जैसा मेकअप करना कोई नहीं जानता। बड़ी दूर दूर से पक्षी आते हैं हमारे घर। रानो बहन, अब पुराने झगड़े माफ करो और मेरी बेटी की शादी में चलो। गौरी, मैं तो कब का सब कुछ भूल चुकी हूँ। हम दोनों कोकी की शादी में जरूर चलेंगे। फिर रानो गुड़िया भी जल्दी से तैयार होकर कोकी की शादी में चली जाती है और खुशी खुशी कोकी की शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने भी बचपन में अपनी मम्मा के मेकअप से छुप छुप कर मेकअप किया है तो हमें कमेंट करें। आपका धन्यवाद।